के लिए टाई ब्रेकर और काफी उत्साह है यहाँ पे, दर्शक आप सबको देखने को मिल रहा है और इसी तरह आप लोग बनाए रहे हैं। कहे कि इनके बाद जो आपका बॉयज का फाइनल मैच जो खेली जाएगी आप सबको पहले से मालूम है, फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि एफसी हुलुडू वर्सेस तानवी फुटबॉल क्लब, तानवी फुटबॉल क्लब आपको बता देना चाहते हैं सब, तानवी फुटबॉल कहाँ गए तो वो है नाम को। मंच के जो दाहिने साइड में जो हमारे खेल प्रेमी भाई बैठे हुए थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्या कि हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पे इसी रास्ता से आएंगे तो विशेषकर आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होंगे। तो विशेषकर आप मंच के दाहिने साइड और विशेषकर मैं सभी वॉलंटियर से कहना चाहते हैं कि आप रास्ता को क्लियर रखें और गेट के पास भी जो रास्ता हमें जाम है उन्हें भी क्लियर रखें। खेल मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही क्षण बाद। और यहाँ लाजवाब बचाव गोलकीपर रेखा कर्मकार का बाई छोर पर ममता का किया गया किक, ड्राइव लगाकर बचाती हुई रेखा कर्मकार बंगाल के लिए अगला टाई ब्रेकर किक के लिए जर्सी नंबर 5 पिंकी और सामने है सुरुद एफसी की गोलकीपर आशा कुमारी। पिंकी का कोई मौका नहीं आशा के पास, अच्छा गोल। और इस बीच यहां आंखों को सुकून देने वाले दृश्य नजर आ रहा है, फाइनल मैच की दोनों ही पुरुष टीम के खिलाड़ी बैठकर टाई ब्रेकर का आनंद ले रहे हैं जबकि उन्हें इस मैच के बाद अपना मैच खेलना है, लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों ही टीमों का रखना था। कोई मौका नहीं यहां पर रेखा कर्मकार के पास, माफ कीजिएगा, जी हां, गोलकीपर केएमएफसी जयपुर की रेखा कर्मकार, दाहिनी छोर पर किया गया सुंदर गोल जर्सी नंबर 21 अलीशा का, सुरुद एफसी की अलीशा। अगले किक के लिए बंगाल की ममता और यहां लाजवाब बचाओ अपने टीम को वापसी बनाते हुए आशा कुमारी, दाहिनी छोर पर ऊपर किया गया किक, शानदार बचाव देखने को मिला यहां आशा कुमारी का, सूर्यदेव सिंह झारखंड की गोलकीपर। अगले किक के लिए सूर्यदेव सिंह की जर्सी नंबर 20 गौरेती बा और सामने है गोलकीपर रेखा कर्म का। और यहां दोबारा रेखा कर्म का एक जबरदस्त बचाओ, दाहिनी छोर पर ड्राइव लगाते हुए लगातार ये दूसरा बचाओ रेखा का, अच्छा प्रदर्शन बंगाल की गोलकीपर
अगले किक के लिए बंगाल की ओर से सीला, सामने होगी गोलकीपर आशा कुमारी सूर्यदेव सिंह की। चौक पर किया गया, कोई मौका नहीं मिला आशा के, आशा को और सूर्यदेव सिंह की जर्सी नंबर 7 का। जज कर लिया था रेखा ने, लेकिन शायद पैर थोड़ा फिसल गई थी, थोड़ा गेंद तक पहुंच नहीं पाई। बाई छोर पर किया गया बरखा का ये गोल। और अब बंगाल की ओर से किक करने के लिए खुद गोलकीपर रेखा कर्मकार और उसके सामने है गोलकीपर आशा कुमारी सूर्यदेव सिंह की। और इस तरह विजयी हुई KMFC जयपुर पुरलिया की टीम। शहीद सूबेदार मेजर शांति तिर्की बालिकाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट विजेता हुई KMFC जयपुर पुरलिया वेस्ट बंगाल की टीम। बालिकाओं का फुटबॉल टूर्नामेंट विजेता हुई KMFC जयपुर पुरलिया वेस्ट बंगाल की टीम।